ये गली की बारात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस जंग में। बंजा मेरा चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा रैप सुन के तेरी बंदी बोले ओ ये तो मेरा वाला गाना है। ये टी-शर्ट है नली इलाका, ये मेरा, गो बैक टू योर गली। कुछ है क्या बोलने को इसका? अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नियत में है दाग सिर्फ कर। छोटे मेरे को लगा था रैप भी पापा शौक है करके, इसको रैप बोलते हैं। ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू छोकरी। सफीना तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम, मर जाएगा तू। अकेला इंसान, फिर गाड़ी तेरी चार क्यों, घर में है चार, फिर रूम तेरे आठ क्यों। कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना, कुछ करने का है तू कर। बोलो आसानी, बोलो आसानी। तेरा अब्बू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है। बोलो आसानी, बोलो आसानी। मैं कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में, ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है। अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़, हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उखाड़े। उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर। बस ये तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लावा फट के बाहर आने दे। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीरेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों तू कौन है, क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीरेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर। सलाम ठोक सर झुका, तू दुम दबा, चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। ये गली की बारात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस जंग में। बंजा मेरा चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा रैप सुन के तेरी बंदी बोले ओ ये तो मेरा वाला गाना है। ये टी-शर्ट है नली इलाका, ये मेरा, गो बैक टू योर गली। कुछ है क्या बोलने को इसका? अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नियत में है दाग सिर्फ कर। छोटे मेरे को लगा था रैप भी पापा शौक है करके, इसको रैप बोलते हैं। ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू छोकरी। सफीना तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम, मर जाएगा तू। अकेला इंसान, फिर गाड़ी तेरी चार क्यों, घर में है चार, फिर रूम तेरे आठ क्यों। कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना, कुछ करने का है तू कर। बोलो आसानी, बोलो आसानी। तेरा अब्बू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है। बोलो आसानी, बोलो आसानी। मैं कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में, ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है। अगली बार कर देख लिया मैंने, समझ लेना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़, हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उखाड़े। उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर। बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लावा फट के बाहर आ दे। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीरेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों तू कौन है, क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीरेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर। सलाम
थोक सर झुका तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले। कपड़े सिलाए ले खुद के दम पे नहीं लिए मैंने अपने बाप से। दोस्तों रणवीर सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की है, लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें उसका मेन किरदार हीरो ने नहीं, हीरोइन ने नहीं, बल्कि इस मूवी के स्टोरी लाइन ने निभाया था। मूवी है गली बॉय। दोस्तों गली बॉय की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूँ, इस मूवी में मेन रोल निभाया है रणवीर सिंह ने। वहीं इस मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाते हुए हमें नजर आई थी आलिया भट्ट, और इस मूवी के निर्देशन यानी कि डायरेक्शन दिया था जोया अख्तर ने। इस मूवी को दोस्तों कई सारे अवार्ड्स मिले, साथ ही साथ उनमें से एक अवार्ड ये भी था कि इस मूवी को बेस्ट स्टोरी लाइन का अवार्ड मिला था। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे, और वैसी ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था, और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चरैया के रिलीज के बाद भी ये मूवी धीमी नहीं पड़ी, और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहाँ जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी ज़बरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है,
लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है, ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की। तो दोस्तों इस फुल मूवी के फैक्ट्स आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक अपने पूरे दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आयश कीजिए। कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे, उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे, इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का, इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था वीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है, ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है, कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए
टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। रही है लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्भा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्भा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए
टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक बड़ा सा लाइक, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना कहीं ना जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऐश कीजिए। से ही चली थी क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। दोस्तों रणवीर सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की है लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें उसका मेन किरदार हीरो ने नहीं, हीरोइन ने नहीं, बल्कि इस मूवी के स्टोरी लाइन ने निभाया था। मूवी है गली बॉय। दोस्तों गली बॉय की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूँ, इस मूवी में मेन रोल निभाया है रणवीर सिंह ने। वहीं इस मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाते हुए हमें नजर आई थी आलिया भट्ट। और इस मूवी के निर्देशन यानी कि डायरेक्शन दिया था जोया अख्तर ने। इस मूवी को दोस्तों कई सारे अवार्ड्स मिले, साथ ही साथ उनमें से एक अवार्ड ये भी था कि इस मूवी को बेस्ट स्टोरी लाइन का अवार्ड मिला था। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसे ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चरैया के रिलीज के बाद भी यह मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी ज़बरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है।
वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्भा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्भा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है, और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का, और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर, और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था वीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है, और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है, कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का
एक बड़ा रैपर बन जाता है कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए और रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। दोस्तों अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर और ऐसे ही नए नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, आयुष कीजिए। ये फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स
ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी भी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था, लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद? स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसी ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चिरैया के रिलीज के बाद भी ये मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है।
और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चली गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी भी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को एक बड़ा लाइक जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। फिर मजबूर हो जाती है, ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं, इस मूवी में मेन रोल निभाया है रणवीर सिंह ने। वहीं इस मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाते हुए हमें नजर आई थी आलिया भट्ट, और इस मूवी के निर्देशन यानी कि डायरेक्शन दिया था जोया अख्तर ने। इस मूवी को दोस्तों कई सारे अवार्ड्स मिले, साथ ही साथ उनमें से एक अवार्ड ये भी था कि इस मूवी को बेस्ट स्टोरी लाइन का अवार्ड मिला था। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद? स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी
मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसे ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। वो था दोस्तों, रणवीर सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की है, लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें उसका मेन किरदार हीरो ने नहीं, हीरोइन ने नहीं, बल्कि इस मूवी के स्टोरी लाइन ने निभाया था। मूवी है गली बॉय। दोस्तों गली बॉय की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूँ, इस मूवी में मेन रोल निभाया है रणवीर सिंह ने। वहीं इस मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाते हुए हमें नजर आई थी आलिया भट्ट, और इस मूवी के निर्देशन यानी कि डायरेक्शन दिया था जोया अख्तर ने। इस मूवी को दोस्तों कई सारे अवार्ड्स मिले, साथ ही साथ उनमें से एक अवार्ड ये भी था कि इस मूवी को बेस्ट स्टोरी लाइन का अवार्ड मिला था। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद? स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसे ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था, और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चरैया के रिलीज के बाद भी ये मूवी धीमी नहीं पड़ी, और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी ज़बरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है,
लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था, एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद करना, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है, कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है।
या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी ज़बरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है। वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स
ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी भी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था वीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स
हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। दोस्तों रणवीर सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की है, लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें उसका मेन किरदार हीरो ने नहीं, हीरोइन ने नहीं, बल्कि इस मूवी के स्टोरी लाइन ने निभाया था। मूवी है गली बॉय। दोस्तों गली बॉय की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूँ, इस मूवी में मेन रोल निभाया है रणवीर सिंह ने। वहीं इस मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाते हुए हमें नजर आई थी आलिया भट्ट और इस मूवी के निर्देशन यानी कि डायरेक्शन दिया था जोया अख्तर ने। इस मूवी को दोस्तों कई सारे अवार्ड्स मिले, साथ ही साथ उनमें से एक अवार्ड ये भी था कि इस मूवी को बेस्ट स्टोरी लाइन का अवार्ड मिला था। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद? स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसी ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है, रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही।
दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था। और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चरैया के रिलीज के बाद भी ये मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और
कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। आप हो ही जाते हैं दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसे ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चिरैया के रिलीज के बाद भी यह मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्भा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्भा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है।
फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। हो जाती है, ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। दोस्तों रणवीर सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की है, लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें उसका मेन किरदार हीरो ने नहीं, हीरोइन ने नहीं, बल्कि इस मूवी के स्टोरी लाइन ने निभाया था। मूवी है गली बॉय। दोस्तों गली बॉय की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूँ, इस मूवी में मेन रोल निभाया है रणवीर सिंह ने। वहीं इस मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाते हुए हमें नजर आई थी आलिया भट्ट, और इस मूवी के निर्देशन यानी कि डायरेक्शन दिया था जोया अख्तर ने। इस मूवी को दोस्तों कई सारे अवार्ड्स मिले, साथ ही साथ उनमें से एक अवार्ड ये भी था कि इस मूवी को बेस्ट स्टोरी लाइन का अवार्ड मिला था। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसी ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का।
तीसरे हफ्ते में पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है, रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चरैया के रिलीज के बाद भी यह मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है, ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी, इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी, ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद करना, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए
टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी के अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था वीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए और रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्भा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्भा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना
पसंद करना, यानी कि आप गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था, लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद? स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसी ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चरैया के रिलीज के बाद भी ये मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़
कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों, मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है। वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है, और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों, इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद करना। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों, उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है, और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का, और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों, इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर, और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों, आलिया भट्ट की डियर जिंदगी इस मूवी में स्टार कास्ट थे, आप हो ही जाते हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे, और वैसी ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में गली बॉय, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों, अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस
किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चरैया के रिलीज के बाद भी यह मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद करना। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं तो फैंस की बेताबी भी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी।
दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद करना। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का
एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी ज़बरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है। वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे
लोकेशन से आया है। छोटे याने किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय, दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था वीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है। छोटे याने किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय, दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एन रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है।
और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहां शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा
इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद? स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे और वैसे ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो था 200 करोड़ रुपए का। तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों, अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों, ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चिरैया के रिलीज के बाद भी यह मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों, पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों, मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों, इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों, उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है, छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का
एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्टर की एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था।